नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में अब नमाज नहीं पढ़ी जा सकेगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सख्ती दिखाते हुए साफ किया है कि कुतुब मीनार एक नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है। इसके परिसर में धार्मिक गतिविधियों के लिए पहले से ही मनाही है। प्रेस क्लब में अपनी विवादित किताब के विमोचन व धर्मनगरी के उत्तरी हरिद्वार में आयोजित 3 दिवसीय धर्म संसद में अमर्यादित भाषणों के बाद विवादों में आए शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हिंदू धर्म अपनाने के बाद अब वैध संन्यास लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को लेकर जो विजन बना रहे हैं वह समावेशी नहीं है। इनका विजन देश की आबादी के बड़े हिस्से को बाहर करता है। यह अनुचित है और भारत के विचार के खिलाफ है। दिल्ली में भारी बारिश और आंधी राहत और आफत दोनों लेकर आई। बारिश और आंधी से जहां लोगों को तेज गर्मी और लू से राहत मिली, वहीं इसकी वजह से सुबह सड़क और यातायात भी प्रभावित हुआ। चीन के किंघाई में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया है। इसकी गहराई 72 किलोमीटर थी। यह झटका पांगीन में भी महसूस हुआ, जो अरुणाचल प्रदेश के 687 किलोमीटर उत्तर की तरफ है। केदारनाथ में पल पल बदल रहा मौसम यात्रियों के लिए मुसीबत बन रहा है। बारिश, ओलावृष्टि और ऊपरी पहाड़ियों पर हो रहे हिमपात से केदारपुरी में ठंड पड़ रही है, जिससे हाइपोथर्मिया के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। दिन और शाम के तापमान में यहां 18 से 21 डिग्री तक का अंतर है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश ने तबाही मचाई। आंधी बारिश के दौरान बिजली पेड़ दीवार गिरने से अलग अलग जगह 25 लोगों की जान चली गई। बाराबंकी जिले में ब्रह्मदेव धार्मिक स्थल के पुजारी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूजा करने पहुंचे भक्तों ने पुजारी का लहूलुहान शव देखा। घटना की सूचना डायल 112 पर दी। आनन फानन पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। एमसीएक्स पर सोने की कीमत में 0.16% की तेजी आई और उसका भाव बढ़कर 50,990 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी का भाव 0.27% टूट गया। इस कमी के बाद चांदी की कीमत कम होकर 61,137 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। पहले वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भूल भुलैया 2 साल 2022 में रिलीज के पहले सोमवार के दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का तमगा पाने से चूक गई। फिल्म ने पहले 3 दिन में ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 55.96 करोड़ रुपए की कमाई करके बड़ा धमाका किया। सोमवार को इसने शुरुआती आंकड़ों के हिसाब से करीब 10.20 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म का कुल नेट कलेक्शन इसी के साथ अब कुल 66 करोड़ रुपए से ऊपर हो चुका है। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।